गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम अपनी वर्कशीट करने वाले हैं वो है हमारी वर्कशीट नंबर 8। तो सबसे पहले तो आप इस वर्कशीट को करने से पहले जानते हैं कि सभी स्टूडेंट अपना नाम यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट, आप अपना नाम फिल कर दीजिए और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम फिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि जो हमारी आज की वर्कशीट है वो किस टॉपिक पर बेस है। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें हम सीखेंगे हैज, हैव और हैड को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, वह समय जो अभी चल रहा है। और वर्तमान काल में हम हैव को यूज करते हैं और हैज को यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। हैव और हैज यूज करते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हैज कहाँ यूज होता है और हैव कहाँ यूज होता है। तो देखिए जरा, यहाँ दिया भी हुआ है प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन कौन से होते हैं जिनको हिंदी में हम कहते हैं बहुवचन, यानी एक से ज्यादा। देखिए आई, वी, यू, दे, ये सभी क्या है बच्चों, ये प्लूरल नाउन कहलाते हैं। तो इनके साथ हम यूज करते हैं हैव का। किसका यूज करते हैं बच्चों? हैव का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए सिंगुलर नाउन जो होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट या किसी का नाम भी यहाँ पर हो सकता है, तो वहां हम यूज करते हैं हैज का। सिंगुलर नाउन आप जानते ही होंगे, हिंदी में हम कहते हैं इसको एकवचन, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है हैव का और सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है हैज का, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो समय बीत चुका है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहां यूज होता है हैड। और हैड का जो यूज होता है सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ ही हम हैड का यूज करते हैं। लेकिन कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में, ठीक है बच्चों। तो देखिए जरा, प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करते हैं? सिंगुलर के नाउन के साथ हैज और प्लूरल नाउन के साथ हैव। वहीं अगर हम बात करें पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस में हम चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ हम क्या यूज करेंगे बच्चों? हैड का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ देखिए आप हैज, हैव, हैड आर यूज्ड। अब हम सीखेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनको यूज किया जाता है। टू शो पोजेशन, फीचर, एक्सपीरियंस। तो हम इनको कहाँ यूज करते हैं? पोजेशन होता है बच्चों अधिकार। अगर हम किस चीज पर अपना अधिकार रखते हैं कि ये चीज हमारी है, इसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। फीचर, फीचर बताने के लिए, जैसे कि हम कहते हैं शी हैज लॉन्ग हेयर, ठीक है, शी हैज ब्लैक आईज। इस तरह हम फीचर्स को भी डिनोट करने के लिए यहाँ पर क्या यूज करते हैं? हैज, हैव या हैड का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस बताने के लिए, जहां हमें एक्सपीरियंस बताना होता है वहां पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं? हैज, हैव, हैड को यूज करते हैं। एज ए हेल्पिंग वर्ब, और हम इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। तो यहाँ हम इनको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर हैज का, तो हैज यूज करेंगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, देखिए सूजी हैज ए कैट। सूजी के पास क्या है? एक कैट है, यानी कि सूजी का उस पर अधिकार है, वो सूजी की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यूज हैज का। और सूजी क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए हैज का यूज हमने यहाँ पर किया। और टेंस कौन सा है बच्चों? प्रेजेंट टेंस। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज मैनी पेंसिल्स, उसके पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं। तो यहाँ पर भी हमने ही के साथ क्या यूज किया? हैज का, यानी सिंगुलर के साथ क्या यूज किया हमने? हैज का। अब देखते हैं हैव को, तो हैव को देखिए आप प्रेजेंट टेंस में ही हम यूज करेंगे हैव को।
लेकिन हम किसके साथ यूज करेंगे? प्लूरल के साथ। किसके साथ यूज करेंगे बच्चों? प्लूरल नाउन के साथ। तो वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट। वी के साथ यहाँ यूज हो रहा है हमारा हैव, क्योंकि वी क्या होता है बच्चों? प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन है। वी यानी कि हम, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दे हैव ए कार, तो उनके पास क्या है? एक कार है। तो यहां भी हमने प्लूरल के साथ यूज किया हैव। तो अब देखते हैं हैड का यूज। तो हैड का यूज हम कहां करेंगे? पास्ट टेंस में। वी हैड ए ग्रेट फन लास्ट नाइट। लास्ट नाइट की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर, यानी कि जो समय बीत चुका है, पिछली रात की बात हो रही है। पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? हैड का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे हैड ए बिग हाउस 2 years ago। 2 years मीन्स अगेन यहाँ पर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे बच्चों? हैड का यूज करेंगे। तो देखा आपने, हमने प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ यूज किया हैज और प्लूरल के साथ यूज किया हैव। वही हमने पास्ट टेंस में किसका यूज किया? हैड का यूज किया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, इसमें क्या दी हुई है। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जिनको आपको हैज, हैव, हैड को यूज करते हुए फिल करना है। तो सबसे पहले जो फिलअप है वो देख जरा, मैरी डैश 3 children। तो मैरी क्योंकि सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेकंड देखिए, यू डैश ए नाइस शर्ट। तो यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव। क्या यूज करते हैं बच्चों? हैव का यूज करते हैं। अब नंबर 3 देखिए, दे डैश अ बिग हाउस व्हेन दे वर रिच। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, When they were rich, यानी जब वो अमीर थे, रिच थे, तब उनके पास एक बड़ा हाउस था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। ठीक, किसका यूज करेंगे बच्चों? हैड का यूज करेंगे। फोर्थ देखिए, they dash breakfast at 9 AM every day। तो they है, तो they के साथ हम क्या यूज करेंगे? Have। क्या यूज करेंगे बच्चों? हैव। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, सरिता डैश ए रेड कार। सरिता सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, यू डैश कंप्लीटेड योर वर्क व्हेन शी केम। तो यहां बच्चों पास्ट की बात हो रही है कि जब वह आई तब तुमने अपना काम पूरा कर लिया था। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? इसलिए हैड का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है, काम पहले हो चुका है उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट, जो कि बहुत ही ईजी थी। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।